150 रन की टारगेट का पीछा करते हुए आपकी टीम का कोई भी बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा भी ना छू पाए तो किसी एक बल्लेबाज पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऐसी ही एक पारी खेली टीम के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने। गुरुवार 7 अप्रैल को लखनऊ और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली की टीम पहले बैटिंग के लिए उतरी और 20 ओवर में 149 रन ही बना सकी। दिल्ली को पृथ्वी शॉ ने कमाल की शुरुआत दी, उन्होंने महज 34 गेंदों में 61 रन ठोक दिए, लेकिन इसके बाद वॉर्नर पोवेल नहीं चले और पंत सरफराज की पारियों से जैसे तैसे दिल्ली की टीम 149 रन तक पहुंची। अब लखनऊ की टीम ये टारगेट चेस करने उतरी। कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक ने टीम को एक बार फिर अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर 9.4 ओवर में 73 रन जोड़ लिए, लेकिन इसके बाद कप्तान राहुल कुलदीप यादव का शिकार बन गए। उनके विकेट के बाद एवन लुइस भी महज 5 रन बनाकर चलते बने। विकेट्स गिरे, लेकिन क्विंटन डिकॉक एक एंड पर टीम को जीत की तरफ ले जाते रहे। उन्होंने 52 गेंदों में 80 रन ठोक दिए। वो अपने शतक के साथ टीम को जीत दिलाने के काफी करीब थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया। हालांकि आउट होने से पहले क्विंटन ने लखनऊ की जीत की पक्की वाली नींव रख दी थी। क्विंटन डिकॉक ने इस पारी में जब तक बैटिंग की, दिल्ली की टीम हार के करीब ही दिखी। क्विंटन ने इस पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 153.84 का रहा। आखिर में लखनऊ की टीम मैच में फंसी जरूर, लेकिन कृणाल पांड्या और आयुष बदोनी ने मैच को निकालकर लखनऊ को जीत दिला दी। इस मैच में क्विंटन की पारी की बदौलत ही लखनऊ उस लक्ष्य तक पहुंच सके। आईपीएल 2022 में ऐसा पहली बार नहीं है जब डिकॉक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी डिकॉक ने मैच विनिंग 61 रन की पारी खेली थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।